नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश यूटेक में। तो गाइज यार, एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ गाइज, नोडल अधिकारी से हुई बातचीत, इस कैटेगरी के छात्रों की जल्द ही आएगी छात्रवृत्ति। तो गाइज वो कौन सा कैटेगरी रहने वाला है, नोडल अधिकारी से जब मेरी बातचीत हुई उसको लेकर एक आर्टिकल भी साथ, देखिए मैं प्रूफ के तौर पर एक आर्टिकल भी दिखाऊंगा और क्या बातचीत हुई उस चीज़ को भी कवर करूंगा। तो एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप APBS और PFMS को बारीकी से समझना चाहते हैं तो फिर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ पा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 अक्टूबर यानी कि कल, बीते हुए कल की ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि इस वक्त मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, अब ऐसा करने वालों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। तो जी हाँ गाइस, एक बड़ी अपडेट है। और क्या वो अपडेट है, यहाँ पे देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश से स्कॉलरशिप लेने 55 लाख छात्रों के लिए एक ज़रूरी खबर है। स्कॉलरशिप के नाम पर फर्जीवाड़ा न होने पाए, इस चीज़ को लेकर देखिए आगे जो भी अभी नोडल अधिकारी से बातचीत हुई है उस चीज़ को मैं आगे आर्टिकल के थ्रू कवर करूँगा। पहले एक छोटी सी अपडेट है, इसको भी हम जान लेते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी उसको बारीकी के साथ स्टेप बाई स्टेप एक करके एक कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए जो भी स्कॉलरशिप को लेकर फर्जीवाड़ा है वो इस बार नहीं होगा। इस बार के नियमावली में ये सारी चीज़ें देखिए जारी की गई। यार जैसा कि आप देख सकते हो कि छात्रवृत्ति वितरण के लिए तैनात होंगे नोडल अधिकारी। जी हाँ गाइस, छात्रवृत्ति इस बार वितरण किया जाएगा, वो भी नोडल अधिकारी के देखरेख में। योगी ने दिया दिशा निर्देश, तय समय में करें भुगतान। भाजपा सरकार ने छात्रवृत्ति का बजट बढ़ा के 3900 करोड़ कर दिया। जी हाँ गाइस, पहले ये बजट 3500 का समथिंग था, लेकिन अब ये बजट 400 करोड़ बढ़ा के 3900 करोड़ का कर दिया गया। और एक बड़ी अपडेट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति के वितरण के लिए जिला व शासन स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही उनका कहना है कि छात्रों को अपने संस्थान में विपरीत स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए उनको जो भी एक निर्धारित समय सारिणी डिसाइड की गई है कि भाई इस दिन तक आप सभी को स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, उसके पहले ही सभी छात्रों को, सभी पात्र छात्रों को इस चीज़ का लाभ दिया जाना चाहिए। तो गाइज एक बड़ी खुशखबरी है स्पेशली सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी हों, एससी एसटी, डजेंट मैटर, सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला हो। एक भी पार्ट को स्किप करना, मैं कहूँगा कि फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस करने जैसा होगा। अब देखिए आज़ादी के बाद यहाँ पे देखिए कुछ स्वच्छता अभियान को लेकर अपडेट है, लेकिन अपने काम का जो अपडेट है वो ये है कि 2 अक्टूबर के दिन 1.51 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। यानी कि कह सकते हैं 1.5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति जो है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। और यहाँ पे देखिए इस योजना में करीब 2012 में क्या हुआ था कि बजट था भैया 1800 करोड़ का, अब भाजपा की सरकार में बजट 3900 करोड़ का है। तो अपने से ये मैटर नहीं है, अपने को क्या चाहिए, फुल स्कॉलरशिप चाहिए। और इसके लिए हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रकाश यूटेक के माध्यम से कंटिन्यू प्रोवाइड की जा रही है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही पल पल की राइट ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए। गाइज अगर अब भी कोई डाउट है तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। तो हम जल्दी मुलाकात करेंगे। साथ ही देखिए एक और चीज़ आपको बता दूं, देखिए जो अधिकारी से बातचीत हुई उनका क्या कहना है कि भाई स्कॉलरशिप के लिए इस बार आपको किसी भी हाल में अपना फॉर्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई करवा लेना है। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं इन दैट केस क्या होगा कि भाई आपको स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। एक सीधी सी कह सकते हैं लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये है कि 2022 में चुनाव है और चुनाव के कारण कोई भी रूलिंग पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से उनका वोट बैंक बिगड़े, तो इस कारण भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। दूसरा कारण ये है कि 2020-21 के सेशन में कई सारे छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला है, तो उस चीज़ को भी कहीं छात्रों में एक भयंकर आक्रोश ना हो जाए, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इस बार फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जैसा कि आपको मालूम होगा योगी का बड़ा फैसला है कि दिसंबर के पहले सभी छात्रों को पूर्ण रूप से स्कॉलरशिप बांट के ये मैटर दिसंबर में ही ख़त्म कर दिया जाए। तो समझ सकते हो आप क्या मैं कहना चाहता हूँ और क्या योगी सरकार की इच्छा है। तो ऐसे में आप बेनिफिट लीजिए इन सारी चीज़ों का। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, नहीं किए हो तो। जल्दी मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक।